दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ेड़ा ऊना। करसोग से लगभग 3 किलोमीटर दूर निर्माणाधीन आईटीआई भवन के साथ अस्थायी झोपड़ी में प्रवासी मजदूर द्वारा गमछे से लटककर अपनी इहलीला समाप्त किए जाने की जानकारी मिली है। मृतक की पहचान रूपेश पुत्र भेरोशा गांव डाखाना पुंदकेर तहसील पंताही जिला बाबूधाम मोतिहार बिहार उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक रूपेश के साथ उसका रिश्तेदारी में लगने वाला चाचा पंकज भी उसी के कमरे में सोया हुआ था और मृतक रूपेश बुधवार रात अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर लगातार बात कर रहा था। मृतक रूपेश के चाचा पंकज ने बताया कि जब वे प्रातः के समय शौचालय जाने के लिए उठा तो पूरी घटना का पता चला, जिसमें रूपेश गमछे वाले कपड़ा से लटका हुआ था। वहीं पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। यहां ना जिस कमरे में आप दो लोग सोए हुए थे वहाँ पर एक घटना हुई है, बताएं क्या हुआ है? वहाँ पे हुए थे ना, हम सोए थे ना, इसे 12 बजे हम लोग खाए दोनों साथ में, ठीक है, मैंने सो गया, ऐसे नहीं है पिया, दोनों आदमी थोड़ा थोड़ा पिए थे, ठीक है। उसके बाद इसका कॉल आया इसका बड़े सर के, तो हाँ सर जी बताइए ना काम धंधा चल रहा है? तो हाँ ठीक है चल रहा है। तो देखिए ना वो आपका जो है आकाश है ना ऐसा ऐसा बात बोलता है, मेरे को इज्जत नहीं करता है, उम्र का ख्याल नहीं रखता है। तो बोला ठीक है हम गौड़िया से बात करेंगे, किसी अपना वाइफ से गौरी से बात करेंगे। तो गौरी ये अपना वाइफ से बात किया, वाइफ से बात करने के बाद अब इसका वाइफ क्या किया, इसको क्या बोला कुछ नहीं पता। हाँ कुछ नहीं पता। आपका क्या लगता था? ये मेरा भतीजा है। अच्छा। हाँ ये मेरा भतीजा है, जिसे अपने रिश्तेदारी में अपने मेरा भतीजा है, ठीक है। और जो इसका बीवी है ना वो मेरा जिसे नहीं होता बहू, वो लगने वाला है ना। तो मैंने बोला ठीक है तुम बिना फ़ोन से बात कर रहा है, अब तुम दोनों इतना रात को दोनों आपसी में क्या बात करेगा, इतना गंदा गंदा गाली दे रहा है। उसके पास फोन नहीं था, आपका ही फोन से करता था? मेरा ही फोन से वो फोन करता था, ठीक है। मैंने बोला चलो यार तुम लोग बात करो, नहीं सुना तो हमको सुने दो भाई, अब बगल हाला मत करो ज्यादा, बगल वाले को। आपको कितने बजे सवेरे पता लगा कि भी ऐसा हो गया है? मैं जब यहाँ से पेशाब करने उठा ना, ठीक है, तो उस टाइम मैं टाइम नहीं देखा, मैं फोन नहीं खोजा मेरा फोन कहाँ है। मैं जब पेशाब करने वहाँ गया तब देखे मेरा लटका हुआ, तब मैं पेशाब करके खाली से दौड़ के इधर आया। किस चीज से लटका हुआ है? गमछे से। इसी का गमछा था? नहीं नहीं, वो जो बंदा था ना लालू जो वहाँ गए उसमें से एक बंदा है उसका गमछा था। अच्छा। हाँ यहाँ पे छोड़े, ये नहाता था ना तो यूज वगैरह करता था ना गमछे, हाँ उसी का गमछा से ना लटका हुआ था। फिर आपने देखा तो किसको बताया सबसे? फिर मैंने देखा तो पहले सबसे बड़े भी एक बताया, इसने इधर बताया। वो कहाँ गए अब? ये काम करने ना गए। अच्छा। हाँ इसका भी जो अमाउंट रुक गया ना तो ये दूसरे जगह से काम करते हैं ना पैसे कमाते, अभी जब इधर नहीं दे रहे थे काम तो दूसरे जगह पेट कहीं पलना है ना, दो रोटी तो कहीं भी खाना है कि नहीं? ठीक सर, एक आईटीआई जो निर्माणाधीन है वहाँ पर एक घटना हुई है, उसकी जानकारी दें क्या हुआ है? आज प्रातः थाना में सूचना मिली कि आईटीआई भवन चलाओग जो थाना से करीब 2 किलोमीटर दूर है वहाँ पर निर्माणाधीन भवन में एक बिहारी लेबर ने फांसी लगाई है। जिस सूचना की तस्दीक के लिए मैं अपने स्टाफ सहित मौका पर पहुंचा तो वहाँ पर ठेकेदार द्वारा बनाए गए ढारों में एक व्यक्ति गमछा से लटका हुआ पाया गया, जिसका नाम पता पूछा गया, पता किया गया, जिसका नाम रुपेश मालूम हुआ है जो बिहार का रहने वाला है। हालात तस्दीक से अभी तक मामला आत्महत्या के पाया जा रहा है, फिर भी इस बारे तस्दीक जारी है, आइंदा तस्दीक पर जैसे भी तथ्य पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के कुशल नेतृत्व में जिला ऊना का हिमकैप्स लॉ व नर्सिंग संस्थान बढ़ेड़ा बुलंदियों को छू रहा है। सहकारिता के जन्मदाता मियां हीरा सिंह की यादों को समर्पित संस्थान के विकास कार्यों को चेयरमैन विक्रमजीत सिंह 4 चांद लगा रहे हैं। प्रोफेशनल शिक्षा के इस मंदिर में +2 पास विद्यार्थी BA LLB व BA पास स्टूडेंट्स LLB डिग्री कोर्स के लिए दाखिला ले सकते हैं। लॉ संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। संस्थान में नर्सिंग कोर्सों के लिए भी दाखिले शुरू हो गए हैं। नर्सिंग संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली व AMRU से मान्यता प्राप्त है। नर्सिंग कोर्स में छात्राओं के लिए BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स, GNM व ANM कोर्सों में भी छात्राएं एडमिशन ले सकती हैं। संस्थान में पास आउट स्टूडेंट्स सरकारी व नामी गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्थान में CCTV कैमरे, हॉस्टल सुविधा, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध है। मूट कोर्ट,
सभागार, लाइब्रेरी, फंडामेंटल एवं कॉमन प्रयोगशाला, ग्राउंड समेत तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। संस्थान में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें 88947-79631 या 88372-95177 पर।